जनता पार्टी के एससी सेल की बैठक कस्बे के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर सेल के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। जननायक जनता पार्टी के एससी सेल की बैठक कस्बे के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हलका प्रधान ओम प्रकाश मेहरा ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर सेल के जिलाध्यक्ष सीताराम सिंघल थे। सिंघल ने कहा, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाना है और इस अभियान का हर एक व्यक्ति को हिस्सा बनाना है। पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो जजपा को और ताकत मिलेगी। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को आम कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना है। पार्टी जननायक जनता पार्टी का फिलहाल सक्रिय सदस्यता अभियान चला हुआ है जी। और सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत आज हमारी बहल ब्लॉक की मीटिंग है, जिसमें हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और आज तो हमारा सदस्यता अभियान का ही है। और रही बात 25 सितंबर की, तो 25 सितंबर हमारी पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के समान हम मनाते हैं उसको। और उसमें जो हमारी पार्टी आदेश देगी रैली के रूप में भी और जिला लेवल पर भी, उसी प्रकार से हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चलिए, आप 25 सितंबर की रैली के जो बारे में चर्चा की है तो इसे ये और बता दीजिए, पूरे हरियाणा में 3 कृषि कानून को लेकर बिल्कुल हर गांव-गांव में विरोध है, तो ऐसे में कैसे इस चीज़ को भाप पाएगी जजपा और कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी किसान और कमेरे की पार्टी है। किसान, हम किसान की बात करते हैं हमेशा और किसान के घर में पैदा हुए हैं। और हमारी जो पार्टी का जो कैडर बेस है वो भी किसान ही है। रही बात कृषि कानून की और काले जो कानून बता रहे हैं उन लोगों की, तो हम तो उसमें थे ही नहीं जहाँ पे एक कानून पास हुए। कानून पास करने वाले कौन लोग हैं, उसको लागू करने वाले कौन लोग हैं, वो आपके माध्यम से जनता को समझने की और समझाने की ज़रूरत है। लोग हमारे से नाराज़ नहीं हैं, लोग उन लोगों से नाराज़ हैं जो मसौदा तैयार करके चले गए और आने वाली सरकार ने उसको लागू कर दिया। और हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय नेता दुष्यंत चौटाला जी ने बार बार ये कहा कि किसान टेबल के ऊपर आए और वो बात करें। उसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार समय दिया है, तो